आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज, मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। बमोरी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा आयोजित की गई एक कार्यशाला। नेहरू युवा केंद्र गुना द्वारा मंडल गठन के संबंध में ग्राम जागर में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें नेहरू युवा केंद्र गुना से श्री जैन जिला समन्वयक तथा नेहरू युवा केंद्र टीम लीडर बीएस किरार, कृष्ण वल्लभ किरार, दिनेश किरार, श्याम यादव तथा मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर श्री जी नामदेव, मनोज किरार, भगवान सिंह किरार उपस्थित रहे। इस सम्मेलन में आसपास के गांव से बहुत से युवाओं ने भाग लिया। अगर गांव में हमारे मंडल में 10 लोग हैं तो उस व्यक्ति की भूमिका होती है सबको सूचित करे कि फलाने जगह इतने बजे बैठक है, तो इसमें सरपंच साहब को बुलाओ, तो ये निर्णय पे चर्चा होनी है। सेक्रेटरी काम लिखा पड़ी, सचिव का काम क्या होता है लिखा पड़ी, उपाध्यक्ष का काम होता है कि अगर हमारे गाँव में कोई आपातकालीन व्यवस्था आपातकाल तो कोषाध्यक्ष उस पर पैसा निकालेगा, उसमें एंट्री करेगा कैश को मनी को पैसा निकाले, तो इधर हैंडपंप की व्यवस्था के लिए करा दिए। वो कोषाध्यक्ष का काम, ये चार लोग उसमें सशक्त हैं। चार लोगों में अगर एक भी अनपढ़ है, काम में निपुण है, काम करने समय नहीं है, तो उसको हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, बदल सकते हैं। तो बताया कार्यकारिणी जो मेंबर है उनकी सहमति बहुत जरूरी है। किस विषय पे कार्यक्रम था? ये हमारा युवा मंडल विकास कार्यक्रम था नेहरू युवा केंद्र द्वारा। ये भारत सरकार की संस्था है और इसका हम लोगों ने युवा मंडल विकास कार्यक्रम के नाम से ये कार्यक्रम दिया है। इसका उद्देश्य है कि गांव-गांव जाके युवा मंडल बनाएं, जहां मंडल बने हुए उनको सक्रिय करें, निष्क्रिय को सक्रिय करें, और जहां पे मंडल नहीं उनको बनाएं। तो बनाने के बाद सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए गाँव में हम काम करें, गाँव का विकास हम कैसे कर सकते हैं उसका निर्णय लें, वो हमारी समिति के द्वारा निर्णय लें, और जो हम महत्वपूर्ण काम है वो हम लोग गाँव में काम कैसे करें उस पर विचार करें। विचार करने के बाद जो विभाग का अधिकारी कर्मचारी पहुँचाएं वो यहाँ पे आए, चाहे स्वास्थ्य संबंध हो, शिक्षा संबंध हो सकता है, एग्रीकल्चर के बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। अगर हमारे यहाँ पानी वर्ष के ज़्यादा कीड़े लग गए तो हमारा किसान फसल पर निर्भर रहता है, अगर फसल खराब हो गई तो पूरे वर्ष भर परेशान रहता है। ऐसी स्थिति में आरोग्य ग्राम सेवक कृषि विभाग के जो विभागीय अधिकारी है उसको हम ला करके उस गाँव की समस्या का समाधान हम लोग कराते हैं। स्वास्थ्य बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, अगर हम स्वास्थ्य हमारे स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है, अगर गांव में बीमारी फैल जाती है उसका समय पर टीकाकरण नहीं हो पाता है, उसके इलाज नहीं हो पाता, तो गांव बीमारी से ग्रस्त हो जाएगा, हमारा गांव विकास नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य विभाग का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, पंचायत का भी बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। अगर पंचायत हमारे साथ गाँव में मिलकर के काम करेगी, युवाओं के बीच में काम करेगी, तो निश्चित तौर पर हमारा गाँव, हमारी युवा वर्ग की शक्ति है वो हमारे गांव के विकास में लगाने के लिए तैयार है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इस ब्लॉक में मतलब 60 मंडल तैयार करिए, यूथ को हम सशक्त कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे देश के विकास में गांव के विकास में सार्थक से हो सके, इसलिए मीटिंग का आयोजन किया। जागर से हमारे सहयोगी जालम की रिपोर्ट। शिकागो में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए हिंदी में भाषण के 125 वर्ष पूर्ण होने पर बमोरी क्षेत्र में भारत जागो दौड़ का आयोजन किया गया। बमोरी में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हेमराज सिंह किरार के नेतृत्व में किया गया इस कार्यक्रम का आयोजन। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो के विश्व हिंदू सम्मेलन में जो भाषण दिया था उस विश्व हिंदू सम्मेलन की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। मौके पर सभी प्राइवेट एवं सरकारी स्कूलों के बच्चों ने इस मैराथन में भाग लिया। साथ ही ग्राम के वरिष्ठ नेता राम स्वरूप चौक से मुरारी लाल कुशवाहा, ब्रिजमोहन सेन, धर्मेंद्र कुमार, संतोष कुमार, मोहन सेन, धर्मेंद्र कुमार, संतोष चौधरी, गोविंद करार, मंडल उपाध्यक्ष जानू करार, अमित चौधरी, सुदामा, प्रमोद सेन, सुनील इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हम सबके माध्यम से आदरणीय रामस्वरूप चौधरी जी और जो समूह के माध्यम से हम सबका हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ उपस्थित आदरणीय ब्रजमोहन सेन जी, स्वामी विवेकानंद जयंती है कि बना रहा है
13 सूत्री मांगों को लेकर गुना जिले के समस्त पंचायत सचिवों ने रैली निकाली। इस रैली का उद्देश्य उनको सातवें वेतनमान का लाभ एवं पेंशन योजना का लाभ देना था, जो कि अभी तक उनको नहीं मिल पाया है। वहीं सचिवों ने अपनी इन मांगों को लेकर एक रैली निकाली एवं कलेक्टर पहुंचकर ज्ञापन दिया। ये हमारे मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संगठन के प्रदेश स्तरीय आह्वान पर हमने पूर्व में प्रदेश के 230 विधायकों को, 29 सांसदों को और 11 राज्यसभा सांसदों को ये 13 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे हैं। उसी तारतम्य में आज जन सुनवाई में प्रदेश के प्रत्येक जिले में ज्ञापन पंचायत सचिव संगठन द्वारा सौंपे जा रहे हैं और ये हमारा अंतिम ज्ञापन है सरकार को। इसके बाद भी अगर हमारी मांगों पर सुनवाई आगे नहीं होती तो 18 सितंबर से भोपाल की सड़कों पर सड़क आंदोलन किया जाएगा। हमने इस मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया को, एकमात्र हमारा संगठन ऐसा संगठन है जिसने 6 बार खून से तौलने का काम कर सम्मान किया है और बड़े अच्छे तरीके से सम्मान कर हमने हमारी मांगें मानी हैं, लेकिन इस सरकार ने हमको खून के आंसू रुलाया है। अब इस सरकार का अंतिम समय है, हम इनसे आखिरी बार निवेदन कर रहे हैं कि हमारी मांगें यथाशीघ्र पूरा करें। सभी अध्यापकों की तरह अन्य कर्मचारियों को जो सातवां वेतनमान दिया है उससे हम लोगों को वंचित रखा है, उसे पूर्ण करें। अनुकंपा नियुक्ति में जो रोस्टर प्रणाली ला के तमाम नियम लगा दिए हैं उनको तुरंत शिथिल करें। ऐसे ही हेल्थ इंश्योरेंस सहित अन्य हमारी 13 सूत्रीय मांगे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रसार में 10th के खिलाफ हुए छात्र एकजुट। आपको बता दें कि इन दिनों कई खेल प्रतियोगिताएं चल रही हैं, लेकिन महाविद्यालय के स्टेडियम में एक टेंट हाउस द्वारा कब्जा किए जाने के कारण यहां पर खिलाड़ी नहीं खेल पाते। ये टेंट पिछले कई दिनों से लगा हुआ है और अभी तक नहीं हटा। इससे पहले भी एक टेंट लगा हुआ था, ना तो इस पर प्रशासन ने कोई ध्यान दिया और ना ही अब कॉलेज प्रशासन कोई ध्यान दे रहा है। वहीं छात्रों का कहना है कि उसने कॉलेज प्रशासन से कई बार टेंट हटाने की मांग की, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वहीं खेल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हमने टेंट वाले से बोल चुके हैं, नहीं हटा रहा तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि टेंट हाउस वाले पर कितनी मेहरबानी और क्यों। आपको बता दें कि उक्त टेंट हाउस का सामान स्टेडियम में बने कमरों में भी भरा हुआ है। एक बात यह भी है कि जो भी शासकीय कार्यक्रम होता है तो टेंट लगाने के लिए टेंडर निकाले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक ही टेंट हाउस का टेंट परमानेंट लगा रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि क्या प्रशासन ने उक्त टेंट हाउस को पूरा स्टेडियम किराए पर दे रखा है या टेंट हाउस वाले से कोई शॉर्टकट की हुई है जिससे कि कुछ भी कार्यक्रम हो तो उक्त टेंट हाउस वाले का टेंट ही स्टेडियम में लगे। समस्या है कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय का जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है, ये स्पोर्ट और ग्राउंड बनाया गया था कॉलेज की महाविद्यालय के छात्रों के लिए खेलने के लिए, जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए। किंतु यहाँ पर शासकीय कार्यक्रम होने के कारण टेंट लगा रह जाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर ग्राउंड का, कॉलेज का ग्राउंड तो नहीं है, छात्रों का ग्राउंड नहीं, ये तो सिर्फ शासकीय कार्यक्रम करने का ग्राउंड है और इसमें ऐसे टेंट लगा जाते हैं जैसे इनका घर का ग्राउंड हो। अब इसमें महाविद्यालय में प्रतियोगिताएँ भी चल
रही हैं, आज भी प्रतियोगिता है। आप यहाँ के जो स्पोर्ट डिपार्टमेंट के हेड हैं आप उनसे भी बात कर सकते हैं, किंतु आप बताइए यहाँ पर कुछ जगह तो कीचड़ हो रही है और टेंट लगा दिया, अब छात्र कहाँ पर प्रतियोगिता होंगी यहाँ पर, तो ये बड़ी समस्या है, आज से नहीं कई सालों से समस्या है। कार्यक्रम हो जाते हैं, अच्छी बात है कार्यक्रम हो रहे हैं, किंतु इस कार्यक्रम होने के बाद जिम्मेदारी से कोई भी स्टैंड को नहीं हटाता, इसका आज हम विरोध कर रहे हैं। अगर जल्द से जल्द इस स्टैंड को अगर नहीं हटाया गया तो हम लोग सभी छात्र इस डिपार्टमेंट में जो भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है इसमें हम ताला लगवा देंगे ना। हम लोग देख रहे हैं 6 महीने से कंटिन्यू एक टेंट, इसमें महीने भर में इस ग्राउंड में कोई ना कोई ये कार्यक्रम होता रहता है, उसके बाद में और कार्यक्रम होने के बाद में पूरा टाइम ये लगा रहता है। इसके पहले भी एक टेंट लगा हुआ था जिसका विरोध किया था इन छात्रों के द्वारा, उसके बाद उसको हटा दिया गया था, वो आधे ग्राउंड तक था, वो 6 महीने तक लगा हुआ था, उसके बाद में उसके अगले एक महीने बाद में ये वाला लग गया। लेकिन यहाँ पर और यहाँ पर आप सुबह देखेंगे तो कई संख्या में यहाँ पर छात्र आते हैं, कई अपने पुलिस की भर्ती के लिए तैयारी करने के लिए आते हैं, छात्राएं आती हैं, कम से कम 50 से 100 की क्वांटिटी में छात्राएं आती हैं, जो कि अभी ये पूरा ग्राउंड आप देखना है, इसमें पूरा ग्राउंड पूरा घिरा हुआ है। कल को अगर बड़ी दुर्घटना होती है इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, जबकि ये कोर्ट के थ्रू भी गवर्नमेंट के थ्रू भी किसी ग्राउंड में आप टेंट नहीं लगा सकते, वो भी फिर भी लगा है एक ठेकेदार के थ्रू, ऐसा है कि ये लगा है तो लगा ही है, उसे कोई चिंता नहीं ना कि कॉलेज प्रशासन को नहीं, यहाँ के गुना कोई टेंट से। टेंट में सबसे बड़ी समस्या ये हमारे लिए कि 13 तारीख को पहले अभी वन विभाग वालों ने लिया था, तो उसमें हमसे बोल दिया गया था कि हम गड्ढे वगैरह भी सब कर देंगे, वो प्रशासन से अनुमति उन्होंने ले ली थी, परंतु कई बार उनसे कहने के पश्चात आज तक जो है ये टेंट का ये परमानेंट कर सकता है और उखड़ा नहीं है, और पूरी सेप्टेम्बर में भी गतिविधियाँ हैं, मुख्यमंत्री कब का आयोजन होना है, अभी राज्य स्तरीय साले प्रतियोगिता है, उनका भी लेटर आ चुका है DO साहब का, मगर आप देख रहे हैं खुद ही देख रहे हैं, इसके कारण हमको बहुत बड़ी परेशानी हो गई, खेल प्रतिभाएं कुछ नहीं कर पाए, प्रशासन ने दिया था उनको टाइम, उनका प्रोग्राम हो गया तो टेंट वाले को उखाड़ना चाहिए, अपना सामान रख लेना चाहिए, और आज तक उन्होंने कई बार बोला भी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ग्राम मड़ाई के ग्रामीण पहुंचे अपनी खराब फसलों को साथ जन सुनवाई में। ग्रामीणों का कहना है कि अतिवर्षा के कारण उनकी उड़द और सोयाबीन की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, जिससे कि ग्रामीण को आर्थिक संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि आज दिन तक कोई भी पटवारी या कर्मचारी उनके खेतों का सर्वे करने नहीं गए। ग्रामीणों की मांग है कि उनकी नष्ट हो चुकी फसल का सर्वे जल्द से जल्द कराया जाए। अतिवृष्टि से पानी ज़्यादा बरसा था, उससे सारी फसल सड़ गई है और इतना पूरा 100% नुकसान हो गया और उग भी रही है। अच्छा, तकरीबन पूरे गांव में जी हाँ पूरा गांव कितनी जमीन का 500 बीघा जी पूरी नष्ट हो चुकी है, बिल्कुल 100% नष्ट हो गई। आप दिखा लें, आप तो सर्वे करा लें, और सोयाबीन में भी नुकसान बहुत है इसमें, सर्वे करा के और उसका मुआवजा मिल जाए किसानों को। बढ़ती महंगाई एवं SC/ST एक्ट में संशोधन के विरोध में दिए गए ज्ञापन। आज राष्ट्रपति के नाम यह ज्ञापन देश में बढ़ती हुई महंगाई एवं SC/ST एक्ट के संशोधन के विरोध में दिया गया। यहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बताया कि भाजपा और कांग्रेस सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों ही जब विपक्ष में होते हैं तो महंगाई को लेकर खूब हल्ला बोल करते हैं, और जब सत्ता में आती है तो दोनों ही चुप हो जाते हैं। यह महंगाई से जनता परेशान है और सरकार चुप बैठी है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर आज समाजवादी पार्टी द्वारा ज्ञापन दिया गया। आज हमारा ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के लिए दे रहे, ये पेट्रोल और डीजल का जो खेल है नूरा कुश्ती है कांग्रेस और BJP की दौड़ की, चाहे जिसकी सरकार हो तेल का खेल अजीब चलता है, इसलिए जनता की आम जनता की कमर तोड़ के रखती है। ये महंगाई दर बदर बढ़ती जा रही है, चुनाव होने से पहले लंबी लंबी घोषणाएं होती हैं, इसी महंगाई के विरोध में मोदी जी ने अपना अभियान चलाया था और आज सत्ता पर बैठ गए। सत्ता में आने के बाद वही हालत निकली है, वही कांग्रेस की है, आखिर ये पब्लिक जाए कहाँ? इस पब्लिक को कचूमर इस तरह से निकाल रही हैं दोनों पार्टियाँ।
कि इसकी अब हद हो गई है, असहाय नहीं हो गया। यह दर्द आम लोगों को अब सहन नहीं होगा और यदि ये कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं तो आम पब्लिक अब रोड़ों पर आकर के किसानों का मुद्दा, किसान इसकी वजह से आत्महत्या करने की दहाब तक जा रहे हैं, रोज आत्महत्याएं हो रही हैं, लेकिन ये गूंगी और बहरी सरकार इन्हें सुनाई नहीं देता, न दिखाई देता है। मकसूदनगढ़ में आए दिन हो रही गायों के साथ दुर्घटना को देखते हुए मकसूदनगढ़ के ग्रामीणों ने रैली निकालकर तहसीलदार को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने गौशाला निर्माण की मांग की ताकि गायों की ठीक तरीके से देखभाल हो सके। साथ ही ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी भी दी कि अगर 3 दिन के अंदर सुनवाई नहीं होती तो हम मकसूदनगढ़ में चक्का जाम करेंगे, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। हेलो, हमारा निवेदन ये श्रीमान कि जब जनता जनार्दन की उस स्तरीय पर कोई मांग की सुनवाई नहीं होगी तब क्षेत्रीय जनता को मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा। हाँ, तो वो आवेदन ही तो दे रहा है महानुभव महोदय। सुदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। चाचौड़ा विधायक ने दिए सामुदायिक भवन के लिए 3 लाख। मकसूदनगढ़ के उकावत गांव में चाचौड़ा विधायक ममता मीना ने अपनी विधायक निधि से 3 लाख रुपया देकर बंजारा समाज के लोगों के लिए एक सामुदायिक भवन बनाने के लिए दिए हैं, जिससे बंजारा समाज के लोगों में हर्ष व्याप्त है। इस मौके पर बंजारा समाज के लोगों ने चाचौड़ा विधायक ममता मीना का आभार व्यक्त किया। शासकीय पीजी कॉलेज में आयोजित किया गया युवा उत्सव। इन दिनों शासकीय पीजी कॉलेज में युवा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र छात्राओं के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। द्वारा बाबा रामदेव की जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में निकाला गया विशाल चल समारोह। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव का कार्यक्रम गुना में आयोजित किया गया, जिसके चलते एक विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस शोभा यात्रा का शुभारंभ हनुमान टेकरी से किया गया, जो कि बूढ़े बालाजी, ख्यावदा चौराहा, गुरुद्वारा चौराहा, जयस्तम चौराहा, हनुमान चौराहा, नाना खेड़ी, मंडी गेट, केंद्रीय विद्यालय मंगवार एवं पीपल खेड़ी होता हुआ चक देवपुरा भैरव बाबा की पुलिया पर समाप्त हुआ। इस चल समारोह में बंजारा समुदाय के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं इसमें महिलाओं और बच्चियों ने भी बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। बंजारा समुदाय के लोगों ने यहां बाबा रामदेव की झांकी भी निकाली और साथ ही अपने सामुदायिक लोक नृत्य भी प्रस्तुत करते हुए शोभा यात्रा में रहे।
आशीर्वाद के पीछे वाली नई रोड के पास के निवासी परेशान हैं। आशीर्वाद के पीछे वाली मेन रोड के पास से निकला रास्ता जो कि नजुल कॉलोनी तक जाता है, वहाँ के निवासी गंदे पानी से परेशान हैं। नई रोड की ऊंचाई ज्यादा होने के कारण कॉलोनी से निकलने वाला गंदा पानी पूरा नजुल कॉलोनी जाने वाली रोड पर भर गया है, जिसके कारण वहाँ के निवासी परेशान है। निवासियों द्वारा नगर पालिका एवं जिला प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। एक मिनट जा रहा हूँ। आशीर्वाद के पीछे रहते हैं। हमारे इधर रोड की कोई सुविधा नहीं है पहले से, और पानी बहुत गंदा। बच्चों के लिए कुएं में पानी भर गया, पीने की कोई व्यवस्था नहीं। गंदा पानी भर गया है। करीबन कितने परिवार रहते हैं उधर? और बीमार पड़ रहे हैं हमारे बच्चे, कीचड़ में से निकल कर जा रहे हैं बच्चे। पहले थी, अभी जो नहर रोड का जो निर्माण किया है वो रोड निर्माण से वो कच्चे रास्ते में पानी भर गया, वो कम से कम 2 किलोमीटर तक लंबाई में। तो हमारा ये कुआ था उसमें वो गंदा पानी भर गया, और जो पानी आता है ऊपर से बाहर का कॉलोनी सोनी कॉलोनी का पूरी गंदी कुएं में भर गई, वो पी रहे हैं जिससे बीमार पड़े। मेरा अभी भी गला बैठा हुआ है। तो हम जो वो रोड बन जाए वो पानी के सुधार हो जाए उसका, वो निकल जाए। और श्रीमान से हम इसलिए निवेदन के लिए आए, आप हमारी मदद करें। और कोई नहीं सुन रहा, हमारी पार्षद संविदा जी कोई भी सबने भगा दिया। हमारे यहाँ पीने का पानी बिल्कुल भी नहीं है, और हमारे यहाँ रोड नहीं है जिसके कारण गली में पानी भर गया रोड में, और उसका पानी हमारे कुएं में चला गया गंदा पानी, जिससे हमारे बच्चे पानी पीने से बीमार हो रहे हैं और बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो ना इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। कितने परिवार है हमारे यहाँ? मतलब वैसे तो हमारा परिवार 70-80 जन है, और भी रहते हैं लोग बाग वहाँ। मतलब मेन समस्या क्या आ रही है? मेन समस्या रोड की है, हमारे पास रोड नहीं है बहुत पहले से ही। पानी में क्या समस्या आ रही? पानी में जो रोड में पानी भर गया है ना गंदा, वो हमारे पीने के पानी हमारे पास क्यों आएगा? अहिरखेड़ी के सरपंच पति और पुत्र पहुंचे जनसुनवाई में। ग्राम पंचायत अहिरखेड़ी के सरपंच पति व पुत्र ग्राम रोजगार सहायक एवं पंचायत सचिव की शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे। सरपंच पति का कहना है कि रोजगार सहायक पंचायत सचिव मनमाने तरीके से काम करते हैं और सरपंच की बिल्कुल भी नहीं सुनते। वहीं दोनों के द्वारा कई भ्रष्टाचार भी किए गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने कई बार प्रशासन से की है, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की गई। एक बार फिर ये दोनों जनसुनवाई में पहुंचे। मनमानी कर रहे हैं, उनको चलने नहीं दें, इनकी मनमानी करके दी और पैसा निकालें, और बस इनके हिसाब से जिन काम करें अपने खेल स्कूल काम नहीं कर रहा हूँ। तो सरपंच कौन है वहाँ पे? हमारे घर से है पत्नी। क्या नाम है? गीता भाई। तो आप नहीं मानते बात को? नहीं माने, अपनी मर्जी से काम करते हैं। उनकी खुद की मनमर्जी से ही पूरा काम करते हैं, हमारा कहना बिल्कुल भी नहीं करते। ना तो पीएम आवास में भी नाम पड़ रहा है, वो भी नहीं पड़ रहा है, और जिसके अलावा जो असंगठित श्रमिक रुपये हो रहे हैं वो भी, और शौचालय में पहली बात रुपये वगैरह काम नहीं कर रहे, पैसे लेते हैं शौचालय बनाए, जो ग्राइन में शौचालय बनाए ना उनसे कुछ ना कुछ पैसे लिए उन्हें समझा करा सकता। अभी क्या मेन समस्या है जिसको लेके आप आपके पास आ रहे हैं? पंचायत में अभी कोई सा काम नहीं होते हैं, वे जो कहते हैं कि नहीं यही खेड़ी में कोई सा काम नहीं होगा, करेंगे कोई होगा दूसरा काम नहीं चाहेंगे। आज महिला कांग्रेस द्वारा कार्यालय कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन बढ़ती महंगाई के विरोध में था। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे गृहस्थी चलाना मुश्किल होता है। इसी के चलते आज ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन भी दिया गया। बढ़ती महंगाई
महंगाई को लेके डीजल पेट्रोल और खासकर गैस की कीमतें जो आसमान छू रही है। सरकार बोलती है कि हमने गैस सस्ता कर दिया है, महिलाओं को धुआं रहित करने के लिए उनको एक सहूलियत दी है, लेकिन ये सारे उनके जो दावे हैं सब खोखले हैं। और गैस की टंकी 900 रुपये हो गई है, तो गरीब जनता इस 900 रुपये का कैसे भुगतान करे, क्योंकि मजदूरी नहीं है। इन सब को लेके आज हमने ये प्रदर्शन किया। नशे के दानव ने फिर निगल लिया एक परिवार की खुशियों को। बता दें कि युवक आमिर खान जो कि शेखपुर का रहने वाला था, इसमें की आदत के चलते उसकी मौत हो गई। वहीं परिजनों ने मौत का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन को ठहराया है। युवक आमिर के साले नईम अख्तर ने बताया कि उन्होंने पुलिस को कई बार स्मैक बेचने वालों के बारे में जानकारी भी थी, उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की और न ही कारोबारी को गिरफ्तार किया। वहीं नईम ने यह दावा भी किया कि उसने पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को इस बाबत कई तरह के सबूत भी पेश किए, फिर भी पुलिस प्रशासन ने इस नशे के कारोबारियों पर कोई शिकंजा नहीं कसा। इसी के चलते आज उनके घर में यह विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने स्मैक का ओवरडोज ले लिया था, जिसके चलते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वहीं गुना जिले के एक निजी चिकित्सालय में लाया गया, जहां इलाज के दौरान की मौत हो गई। वहीं पुलिस अधीक्षक ने हमें बताया कि सूचनाएं तो दी गई थी, लेकिन वहां पर्याप्त न होने के चलते नशे के कारोबारी पुलिस की पहुंच से दूर बने हैं। वहीं पुलिस अधीक्षक ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसमें कारोबारियों को पकड़कर इस नशे के गोरख धंधे पर नकेल कसी जाएगी। भैया हट जाना, मैंने इनकी 2-3 महीने पहले एक इसमें कारोबारी से बातचीत की ऑडियो भी एसपी को दी थी। मैंने कहा साहब इसमें का बहुत तेज जिले के अंदर कुमरा रुठियाई राघोगढ़ मिरकवास में धंधा चल रहा है, तो इसको रुकवाइए, लेकिन जिले के एसपी ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। इसी के चलते इसमें के ओवरडोज के चलते इनकी मौत हो गई, और इसके जिम्मेदार में जिले के सिर्फ और सिर्फ एसपी को और पुलिस प्रशासन को मानता हूँ। अगर पहले से इस चीज़ पर रोक लगा देते तो इनकी मौत नहीं होती। तो अब क्या किया जाएगा, जहाँ से मतलब ले जाया जा रहा है, इनको दफनाया जाएगा अपने गांव मिरकवास ले जाया जा रहा है, और बिल्कुल प्रशासन इसका जिम्मेदार। आज भी जिले के अंदर धड़ल्ले से इसमें का कारोबार चल रहा है, नशे का जहर फैल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन नहीं रोक पा रही इसको। पुलिस प्रशासन इसमें कारोबारियों से मिली हुई है और खूब हफ्ता ले रही है। इसमें जो है जो जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है उसका परिजनों द्वारा बताया गया है कि नशे के ओवरडोज से उसकी मृत्यु हुई है, अत्यंत दुखद घटना है। और जो है उनके परिवार के द्वारा पूर्व में जो है करीब कुछ महीनों पहले एक सूचना दी गई थी, उससे प्रयास भी किया गया था, और जो है उस प्रयास में जो है वो व्यक्ति जो भी वहाँ पे दे रहा था नशे का कारोबार कर रहा था, पकड़ में नहीं आया था। संभवतः उसके बाद जो है अगले 3-4 महीने में जो परिवार के लोग हैं और जो नशे का सेवन करने वाले व्यक्ति हैं वो अपनी इस आदत को नहीं छुड़ा पाए, और जिसके कारण ये दुखद घटना हुई है। और लगातार पुलिस कार्रवाई करती आ रही है। इस साल भी हमने लगभग 15 लोगों को अलग अलग मात्रा के साथ हमने पकड़ा है, और सटीक सूचना मिलने पर लगातार कार्रवाई जारी रखेंगे। डीजीएनए न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।